हमारे इनके द्वारा ये टूर्नामेंट जीता भी है। दूसरा और बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पे न्यूज आज आ रहा है कि हमारे जो डी बुकेस जो है, जो कि चीन के ली डेरिन के साथ विश्व शतरंज चैंपियनशिप के लिए मुकाबला करेंगे, उसकी अनाउंसमेंट कर दी गई है। ये जो चैंपियनशिप है वो सिंगापुर में इसी साल यानी कि ये 20 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच में जो है इसका आयोजन किया जाएगा। इसका बेसब्री से इंतजार रहेगा, काफी इंपॉर्टेंट है इस बार ये। अगर यहाँ पे हमारी टीम जीतती है या डी कुकेस जीतते हैं तो वो भारत के दूसरे प्लेयर पर जाएंगे विश्वनाथन आनंद के बाद, ठीक है। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट, बस एक कोई जीत सकता है। आरबीआई के द्वारा कुछ दिन पहले जो है वो वित्तीय रिपोर्ट 2024 प्रकाशित की गई थी, तो इसमें उन्होंने बहुत सारा डेटा दिया था। इसमें एक और डेटा आज निकल कर आ रहा है कि उन्होंने बताया है कि पिछले एक दशक में लोगों की जो सूद बचत की जो दर है वो कम हुई है, ठीक है। इन्होंने बताया है कि 2022-23 में भारत की सकल प्रयोज्य आय जो है वो मात्र 29.7% है, ठीक है। ये कह रहे हैं कि कोरोना काल में हमारी जो बचत दर थी वही हमारे इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट की थी। सब पूरे वर्ल्ड में सबसे अच्छा जो हम लोग परफॉर्म कर रहे थे कोरोना काल में, तो उसका रीजन भी था हम लोग के द्वारा की गई सेविंग। लेकिन अब इसमें जो है वो कमी देखने को मिल रही है। उन्होंने बताया है कि कोरोना काल में हम लोग की सेविंग दर थी वो 51.7% की, जो वर्तमान में जो घटकर है 2022-23 में ये 28.9% हो गई है। तो ये रिपोर्ट भी काफी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की संभावना है, ठीक है। इन्होंने बताया है कि 10 वर्षों में औसत के हिसाब से जीडीपी में शुद्ध बचत की जो हिस्सेदारी है वो 2.7% रही है, 2.7% जो है वो कम हो गई है, ठीक है। एक दशक पहले जो 8% से घटकर 2022-23 में 5.3 पर आ गई है क्या, तो हमारे शुद्ध बचत जिसका जीडीपी में जो है हिस्सेदारी है उसके बारे में उन्होंने बताया है, ठीक है। फिर इसमें इसी रिपोर्ट में बताया है इन्होंने कि लोगों के पास शुद्ध वित्तीय बचत में जो है वो 11.3% की गिरावट आई है, जो 2022-23 में गिरकर 28.9% रह गई है, जबकि 10 वर्ष पहले ये जो 39.8% थी। ये डेटा याद रखना होगा, ये जो इकोनॉमी में अब इनका जो ट्रेंड हो गया है पूछने का क्वेश्चन जो अधिकांश का नहीं बनता है, तो स्टैटिक पोर्शन अब ये तो पूछ नहीं रहे, किस रिपोर्ट को डालते हैं, किस स्कीम को डालते हैं और वहां से एक खोज के पॉइंट को देते हैं ताकि आप टू कंफ्यूजन हो वहां पे और आप गलत बना कर आए। तो ये रिपोर्ट बहुत मायने रखता है। इसके बारे में एक और डाटा पहले बताया जा चुका है, तो दोनों को आप ध्यान से पढ़ेंगे, दोनों में से किसी भी डाटा को वो वहां पे रख सकते हैं, ठीक है। आप देखेंगे लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि को जो है वो सेना का उप प्रमुख बनाया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं पर्सन, केवल प्रमुख ही नहीं उप प्रमुख भी अगर अपॉइंट होते हैं न्यू तो वो भी क्वेश्चन बन जाता है। तो इनको भी याद रखेंगे कि जो थल सेना है उनके जो उप प्रमुख बनाए गए हैं वो एनएस राजा सुब्रमणि को बनाया गया है। फिर भारत जो है वो रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की राह पर अग्रसर है, ये कंटिन्यू आगे बढ़ रहा है और इसी सिलसिले में जो है वो भारत के द्वारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु विस्फोट का जो है वो संचालन किया गया है। इसे जो है वो नाम दिया गया है, वो है सेब्रेक्स 2। बहुत इंपॉर्टेंट नेम है ये, आपको याद रखना होगा। ये पूछ सकता है, डायरेक्ट पूछ सकता है और नहीं तो इसका यूज आप मेन में भी करेंगे। वहां दिखाएंगे कि भारत किस तरह से शांतिपूर्ण अपने जो विकास है उसको बढ़ा रही है, उसके पथ पे आगे बढ़ रही है और उसके लिए इन्होंने जो है वो गैर परमाणु विस्फोट का भी सफलतापूर्वक संचालन किया है जिसका नाम सेब्रेक्स 2 रखा गया है। और पीटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये नेम, एकदम याद होना चाहिए आपको। यहाँ पे देखेंगे कि ये जो विस्फोटक है वो TNT की तुलना में दोगुने से भी अधिक शक्तिशाली है और उससे अधिक विनाश करने में ये सक्षम है। यह बिना वजन बढ़ाए जो है वो गोलों की मारक क्षमता को जो है वो बढ़ाने में भी सक्षम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं याद रखेंगे। और प्रकाश जी वीडियो बंद कर लीजिए आप, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे कि 1 से 7 जुलाई के बीच जो है हमारे यहाँ वन महोत्सव मनाया जा रहा है और इस महोत्सव का उद्देश्य है देश भर में जो वृक्ष है उसको लगाना, हमारी जो प्रकृति है उसको बढ़ावा देना, ग्लोबल वार्मिंग कम करना। तो ये याद रखेंगे, पूछ सकता है, नहीं भी पूछ सकता है, बहुत बड़ी चीज नहीं है। 1 से 7 जुलाई तक वन महोत्सव मनाया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसमें इम्पोर्टेंट चीज ये आपको रखना होगा याद कि हमारे यहाँ वर्तमान में जो वनों की जो प्रतिशत है वो हमारे टोटल एरिया में वो कितना है, तो वो जो है वो है 21.7
प्रतिशत, ठीक है। अगर इसको हम लोग हेक्टेयर में देखेंगे तो वो ये हो जाएगा 3.13 लाख हेक्टेयर। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमेशा पूछते रहता है वन आवरण वृक्ष हवन आवरण ये सबसे पूछता है, फिर परसेंटेज मतलब वृद्धि कितने हेक्टेयर की हुई है वो भी पूछते रहता है, ठीक है। तो इससे आपको करंट मतलब जब हम लोग नजदीक पहुंचेंगे तो वहां पे एक क्लास लिया जाएगा जो हम हमारा जो 2021 में जो वन आवरण रिपोर्ट आया था उसमें आपको टोटल वहां पे बताया जाएगा, ठीक है। कि वर्तमान में इंडिया में जो है वो 7.13 लाख हेक्टेयर पर जो है वो वन आवरण है, जो कि हमारे भौगोलिक क्षेत्र में उसके जो प्रति 21.7%, ठीक है। यहाँ देखेंगे कि दो हमारे वृद्धि हुई थी वो थी 5516 किलोमीटर, ठीक है, दोनों पॉइंट याद रखिएगा। अभी 30 जून को जो है वो हुल दिवस मनाया गया है, तो ये जो है हुल दिवस सिद्धू कानू चांद और भैरव जो कि संथाल विद्रोह के नायक थे इनके स्मृति में ये मनाया गया है, तो याद रखिएगा, हो सकता है क्योंकि इसकी शुरुआत भी हाल में की गई है इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। फिर देखेंगे कि जयपुर मिलिट्री स्टेशन भारत का प्लास्टिक वेस्ट रोड बनाने वाला दुनिया का पहला मिलिट्री स्टेशन बना है, तो ये भी इम्पोर्टेंट होता है, बहुत छोटा सा ये न्यूज है, टिकने की संभावना है, तो याद रखिएगा भारत का पहला वेस्ट रोड बनाने वाला मिलिट्री स्टेशन कौन है, तो वो जयपुर मिलिट्री स्टेशन है। दिल्ली में 30 जून से 7 जुलाई तक डॉक्टर्स वीक मनाए जाएंगे। अभी हम लोगों ने देखा यहाँ पे दो वीक मनाया जा रहा है, एक डॉक्टर्स वीक जो कि 30 जून से 7 जुलाई तक, और एक मनाया जा रहा है वन महोत्सव वीक जो कि 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाया जा रहा है। तो कंटिन्यू दो पैरेलल वीक चल रहे हैं हमारे यहाँ, तो दोनों को याद रखिएगा। ये भी बन सकता है क्वेश्चन, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कब कौन सा वीक जो है वो कब से कब तक चल रहा है, याद होना चाहिए आपको। ये देखेंगे अभ्यास मैत्री, ये जो है ये आयोजित किया जाता है भारतीय थल सेना तथा थाईलैंड के थल सेना के द्वारा। तो 2024 का जो अभ्यास होगा जिसको मैत्री 2024 रखा गया है, तो ये 13वां संस्करण होगा इसका, और इसका आयोजन 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच जो है वो थाईलैंड के ताक प्रांत के पोर्ट वचिरा प्रकांड जो क्षेत्र है वहां पे किया जाएगा। तो आपको ये टोटल याद रखना होगा कि थाईलैंड के किस प्रांत के किस क्षेत्र में इसका आयोजन किया जा रहा है, क्योंकि अब ये डायरेक्ट नहीं पूछते हैं, ये पूछ देंगे आपको कि किस क्षेत्र में इसका आयोजन किया गया है, आजू बाजू बस आराम दे देंगे, जब तक आप याद नहीं रखेंगे तो गड़बड़ होने की संभावना है। तो याद रखिएगा ये थाईलैंड के ताक प्रांत के पोर्ट वचिरा प्रकांड नामक जो क्षेत्र है वहां पे इसकी आयोजन 1 से 15 जुलाई के बीच जो है वो की जाएगी। ये देखिए अभी एक न्यूज में आ रहा है, दो पर्वत जो है वो काफी न्यूज में आ रहा है, एक है जापान का फुजी पर्वत, यहाँ पे पॉल्यूशन बढ़ने के कारण पर्वत रोगियों के द्वारा जो वहाँ पे खाने पीने की जो सामान लेकर जाई जाती है उसकी वजह से वहाँ पे जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है और उस माउंटेन को जो नुकसान पहुंच रहा है, इसके लिए जो जापान की गवर्नमेंट है उन्होंने डिसाइड किया है कि इस पर्वत पर अब जो भी पर्सन चढ़ाई के लिए आएंगे अब उनको जो है वो शुल्क दिया जाएगा और उनके लिए टाइम को निर्धारित किया गया है। तो याद रखिएगा कि फुजी पर्वत जो है वो जापान में स्थित है, और एक और पर्वत अभी हाईलाइटेड हो चुका है इसी तरह के पॉल्यूशन को लेकर, वो है दक्षिण कोरिया के जेजू द्वीप पर स्थित माउंट हल्ला, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो पर्यटक यहाँ पे जाते हैं इनके द्वारा जो इंस्टेंट नूडल्स वगैरह लेकर जाया जाता है वहां पे, जो फूड पैक लेकर जाया जाता है, तो उसके वजह से वहां पे वो यूज करते हैं और फेंक देते हैं, तो उन फूड पैकों में नमक की मात्रा बहुत अधिक होती है जिसके वजह से ये जो माउंट हल्ला है उसको काफी क्षति पहुंच रहा है। तो ये दो माउंटेन अभी वर्तमान में हाईलाइटेड है, दोनों याद रखिएगा। ज्योग्राफी में यहाँ से पूछ सकते हैं वो लोग मिलान वाले में, ये देंगे नाम और आपसे पूछ देंगे कि किस किस कंट्री में है आप बताइए आप लोग, ठीक है, तो याद रखेंगे। फिर देखेंगे हमारे श्रीलंका जो है वहां के एक वरिष्ठ नेता थे आर संपतनन, इनकी डेथ हो गई है जिसपे हमारे जो मोदी है उन्होंने शोक व्यक्त किया है, तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन चूंकि न्यूज में है तो याद रखना होगा आपको। ये देखेंगे आईसीसी में T20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट की टीम की घोषणा की है, इसमें जो है वो 6 भारतीयों को जगह दिया गया है। इस एकादश में भारतीय कप्तान
रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह तथा अर्शदीप सिंह को जगह दिया गया है। छह का नाम आपको एकदम 100% याद रखना होगा। बन सकती है क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हैं कि किसको उस एकादशीय जो टीम बनाई गई है आईसीसी के द्वारा, उसमें किनको किनको जो है वो जगह दिया गया है। पहले भी इस तरह के क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो ये तो हो गए हमारे छह भारतीय जो टीम में जगह पाए हैं। इसके अलावा अफगानिस्तान के तीन प्लेयर को इसमें रखा गया है, जिनका नाम फजल हक, फारूकी गुरबाज और कप्तान राशिद है, ठीक है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के मार्क मार्कस, ठीक है, जो वेस्ट इंडीज है, वेस्ट इंडीज जो है उसके निकोलस पुरन को इसमें स्थान दिया गया है। इसके अलावा जो साउथ अफ्रीका है उसके एक प्लेयर को 12वें प्लेयर के रूप में इसमें स्थान दिया गया है और उनका जो नाम है वो है एंड्रिक मोत्से, ठीक है, याद रखिएगा ये सब। उसके बाद देखेंगे हमारा दक्षिण अफ्रीका के डर्बन में स्थित किंग्स, ठीक है, यहाँ दक्षिण अफ्रीका के डर्बन में स्थित किंग्स मीट क्रिकेट स्टेडियम में जो है वो विश्व मास्टर लीग T20 का जो है वो आयोजन किया जाएगा। तो यहाँ से भी यूपीएससी पहले क्वेश्चन बना ली है, फिर बनाने की संभावना है, क्योंकि इसका जो आयोजन है वो अगस्त में ही किया जाएगा और इसकी वेन्यू उन्होंने बता दिया गया है, ठीक है। ये जो आयोजन होगा T20 का, ठीक है, तो इसमें छह टीमें भाग लेंगी। जो छह टीमें भाग ले रही हैं उनका नाम है इंद्रप्रस्थ वॉरियर्स, गल्फ सुपरस्टार, सिडनी स्पोर्ट्स, कोलंबो टाइटंस, लाहौर लायंस और कैरिबियन पायरेट्स, ठीक है। ये जो छह टीमें भाग ले रही हैं तो उसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड और कई अन्य कंट्रीज के जो प्लेयर हैं इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। याद रखिएगा कि ये अगस्त 2024 में दक्षिण अफ्रीका में इसका आयोजन किया जाएगा। फिर देखेंगे यहाँ पे हमारे यहाँ जो नए आपराधिक कानून 1 जुलाई को लागू हुए उसके तहत बिहार में जो पहला प्राथमिकी दर्ज की गई है वो गया के राजकीय रेल पुलिस थाना में दर्ज की गई है। यह जो प्राथमिकी थी वो चोरी से संबंधित थी और इसमें धारा 313-317 जो है वो लगाया गया है। याद रखिएगा क्योंकि पहली प्राथमिकता है तो हो सकता है क्वेश्चन बना ले। और इंडिया लेवल पर देखेंगे पहली प्राथमिकता दर्ज कहाँ हुई तो वो दिल्ली में दर्ज की गई है। यहाँ पे देखिए कि राज्य में जो है वो प्रतिदिन 8,87,000 अंडा उत्पादन के साथ हमारा जो गोपालगंज है वो पहला स्थान इन्होंने लिया है और वहीं रोजाना 7,166 अंडा उत्पादन के साथ अरवल जो है वो सबसे नीचे स्थान ग्रहण किया है। सभी जिलों को अगर मिला दिया जाए तो रोजाना बिहार में जो है वर्तमान में 55 लाख अंडों का उत्पादन हो रहा है और अगर सालाना ये उत्पादन देखा जाए तो ये 200 करोड़ टन की है, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि दूसरे स्थान पर जो है वो मुजफ्फरपुर है जो कि 6,30,000 अंडा उत्पादन वहाँ प्रतिदिन किया जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है, आपको ये पूछ सकता है। न्यूज जो रिपोर्ट आया है इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, नहीं तो हमारे जो इकोनॉमिक सर्वे में अंडा उत्पादन से संबंधित जो दिया हुआ है फैक्ट वहां से भी क्वेश्चन उठा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी रिपोर्ट पब्लिश की गई है जिसकी वजह से हमारे यहाँ एक प्रोडक्शन जो है वो पॉपुलर मतलब हाईलाइटेड हो गई है वर्तमान में। तो ये तो इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना है। साथ में आपका इकोनॉमिक सर्वे में अंडा उत्पादन से संबंधित क्या बताया गया है वो भी आपको याद रखना होगा। दोनों में से कोई एक चीज यहाँ पे पूछा जा सकता है। यहाँ पे देखेंगे कि हमारे बिहार में जितना प्रतिदिन अंडे का उत्पादन मतलब खपत है उसका हम लोग वर्तमान में केवल 50% जो है उसका उत्पादन कर पा रहे हैं, यानी अभी भी हमारे यहाँ बहुत कमी है और अंडा उत्पादन को बढ़ावा देने की जरूरत है और इसके लिए गवर्नमेंट जो है वो कई स्कीम्स लाए गई है, ठीक है। अभी हमारे यहाँ जो अंडा की कमी हो रही है उसका जो भरपाई हो रहा है वो आंध्र प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल से अंडा को मंगाकर किया जा रहा है। तो आपको ये भी याद रखना होगा कि कहाँ से अंडा को मंगाकर हमारे जो खपत है उसको पूरा करने का प्रयास गवर्नमेंट के द्वारा की जा रही है। फिर देखिए कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण थाई, इसके अनुसार बताया जा रहा है कि बिहार में आयरन की गोली की खपत में 300.4% की वृद्धि देखने को मिला है। इस वृद्धि के साथ इस गोली को उपयोग करने वाली महिलाओं की जो संख्या है प्रतिशत है वो बढ़कर 9.3% हो गई है। तो हो सकता है पीटी में पूछे या ना पूछे, कहा नहीं जा सकता है, लेकिन इसका यूज आप मेन में जरूर करेंगे। जब वो हेल्थ से संबंधित कोई क्वेश्चन हो तो वहां पे आप बताएंगे कि किस तरह से हमारे यहाँ महिलाएं जो है वो जागरूक हो रही है और कंटिन्यू अपने हेल्थ के प्रति कॉन्शियस होने की वजह से उनकी जो
आदतें हैं वो चेंज हो रही है और वहाँ पे इस रिपोर्ट का हवाला देकर उसको आप पॉजिटिव वे में दर्शा सकते हैं। या अगर कहीं पे हेल्थ सेक्टर से संबंधित अगर बिहार गवर्नमेंट की अच्छाइयाँ दिखानी होगी, पॉजिटिविटी वहाँ दिखानी होगी, तब भी आप इसका यूज करेंगे वहाँ पे। फिर द्वारा जो है वो बिहार के एक रिपोर्ट पब्लिश किया गया है, उसमें बताया गया है कि बिहार के जलाशय अभी वर्तमान में जो बिहार में जितने भी मतलब 23 जो जलाशय उसमें केवल 17% जल की उपलब्धता बची हुई है। जो हमारे पास 23 जलाशय है वर्तमान में उसमें से 9 जो जलाशय है वो पूरी तरह से सूख चुकी है, इस रिपोर्ट में बताया गया है। साथ ही इसमें बताया गया है कि इन 23 प्रमुख जलाशयों में केवल 1.31 लाख एकड़ फीट पानी शेष बचा हुआ है, जबकि इनकी जो कैपेसिटी है वो है 7.70 लाख एकड़ फीट। तो ये क्या दर्शा रहा है, हमारे यहाँ जो ग्लोबल वार्मिंग की जो स्थिति चल रही है उसको उसमें भी यूज करेंगे उसको भी दर्शा रहा है। साथ में पॉल्यूशन जो हमारे यहाँ चरम सीमा पे पहुंची हुई है उस कंडीशन को भी ये दर्शा रहा है। तो जो भी अगर कोई भी क्वेश्चन हो वहाँ पे आप बताइएगा, क्योंकि ये केंद्रीय जल आयोग का रिपोर्ट है तो ये बहुत मायने रखता है। अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो आप उस रिपोर्ट के हवाले से बताएंगे कि किस तरह से बिहार की स्थिति जो है वो की जो जलाशय है वो कंटिन्यू सूख रही है, वहाँ पे पानी की जो उपलब्धता है वो लगातार कम हो रही है। ठीक है, इसी रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि राज्य में राज्य के किसी भी जलाशय में 50% जलाशय है जहाँ सर्वाधिक पानी पाया गया है वो है दुर्गावती जलाशय जो कि रोहतास में स्थित है। ठीक है, यहाँ इसकी जो क्षमता है उसका 40% पानी अभी वर्तमान में अवेलेबल है, बाकी कोई भी ऐसा जलाशय नहीं है जहाँ की 50% से अधिक आपको पानी देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है इसी रिपोर्ट में कि देश के मुख्य जलाशयों में उपलब्ध पानी जो है वो कुल भंडारण क्षमता का मात्र 20% रह गया, यानी कि मतलब कंट्री लेवल पे देखेंगे आप तो वहाँ के जितनी जलाशय हैं वहाँ पे 20% पानी अवेलेबल है, वहीं बिहार के जो 23 जलाशय हैं टोटल वहाँ पे वर्तमान में 17% पानी वर्तमान में अवेलेबल है। ठीक है, अभी एक और न्यूज आ रहा था कि हमारा जो पटना तारा मंडल है वहाँ पे 2 नए शो का आयोजन किया जा रहा है, और ये जो 2 नए शो वहाँ पे शुरू किए जा रहे हैं उसका नाम है वॉइस तथा लाइफ ऑफ ट्री। याद रखिएगा, मे भी क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। इसके पहले से जो है 2 शो का आयोजन वहाँ किया जा रहा था जिसका नाम था वी आर स्टार्स और स्टुअर्ड मिशन एक्सट्रीम। ठीक है, ये 2 शो पहले से आयोजित की जा रही थी, 2 नया शो वहाँ पे शुरू किया गया है। नाम याद रखिएगा, टूटने की संभावना नहीं है लेकिन कहा भी कुछ नहीं जा सकता है। चलिए ठीक है, फिर आज इतना ही था, आप इसको एक बार रिवाइज कीजिए और ये बताइए कि लियोन मास्टर जो है टूर्नामेंट जो शतरंज से संबंधित है वो किसके द्वारा जीता गया है। हमारे जो शतरंज विश्व टूर्नामेंट का जो आयोजन किया जाएगा वो कहाँ और कब किया जाएगा और किन 2 प्लेयर्स के बीच इसका मतलब आपको वो मुकाबला देखने को मिलेगा वहाँ पे याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट ये टूर्नामेंट है भारत के लिए भी। RBI के द्वारा जो वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट पेश की गई है तो उसके अनुसार कोरोना के समय हमारी जो बचत दर थी वो कितना प्रतिशत थी? 51.7% थी, जो 2022-23 में कितना हो गई कम होकर, ये बताइए। 2022-23 में 28.9% हुई है, जो कि कोरोना काल में 51.7% थी। याद रखना होगा, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप दोनों को बार बार बोल रहे हैं कि थोड़ा बढ़िया से पढ़िए, फिर भी दोनों गलत करते हैं। बहुत अच्छा है, ये बताइए सेना उप सेना प्रमुख किनको बनाया गया है? एन एस राजा सुब्रमणि को। बहुत अच्छे, अभी भारत के द्वारा जो है एक गैर परमाणु विस्फोट किया गया है, इसका नाम क्या है? एबेक्स टू।
हाँ सेजिक्स टू ठीक है। वन महोत्सव कब से कब तक मनाया जाएगा? 1 से 7 जुलाई। और एक और दिवस मतलब वीक मनाया जा रहा है वो कौन सा है और कब से कब तक मनाया जा रहा है? ठीक है बहुत अच्छा। हाँ एक चीज और याद रखिएगा, हमारा विदेश सचिव बनाए गए हैं विक्रम मिस्त्री। विदेश सचिव वगैरह से क्वेश्चन बनते रहता है हमेशा, राजस्व सचिव विदेश सचिव, तो याद रखिएगा ये। अभी आपकी आपको बताना शायद भूल गई थी मैं। अभ्यास एक मैत्री ये कहाँ पे किया जाएगा और कब से कब इसका मतलब आयोजन किया जाएगा? ये मैम थाईलैंड की सेना, ठीक है कहाँ पे किया जाएगा इसका आयोजन? कैवा संस्करण होगा ये बहुत अच्छी। ये फूजी पर्वत काफी हाइलाइटेड हुआ है, किस कंट्री में है ये? जापान। बहुत अच्छा। दक्षिण कोरिया का एक माउंटेन जो है वो भी फेमस हो रहा है, उसका नाम बताइए और क्यों वो अभी हाइलाइटेड है वो भी बताइए। पर्यटकों की एक्टिविटी की वजह से उसको, उसकी जो पारिस्थितिकी है उसको नुकसान पहुंच रहा है, जिसकी वजह से ये पॉपुलर है भी। ठीक है, आईसीसी के द्वारा जो है वो T20 विश्व कप का टूर्नामेंट की टीम बनाई गई है, जो कि एक दिवसीय टूर्नामेंट की टीम बनाई गई है, तो उसमें कितने भारतीयों को जो है वो शामिल किया गया है? बहुत अच्छी। कौन कौन है? नाम बता दो। रोहित शर्मा, ठीक है, हार्दिक पांड्या, सचिन बुमराह, अर्शदीप सिंह, अक्षर पटेल। बहुत अच्छे। सॉरी 12वें प्लेयर के रूप में यहाँ पे कौन शामिल किए गए हैं? नोटिया, स्वतंत्र का। हाँ बहुत अच्छे। ऑस्ट्रेलिया के कितने प्लेयर हैं यहाँ पे? एक प्लेयर। ऑस्ट्रेलिया के तीन है या एक ही है ना? अफगानिस्तान के तीन प्लेयर है, अफगानिस्तान के तीन प्लेयर को शामिल किया गया है। और याद रखिएगा ये, क्योंकि अफगानिस्तान जैसे वीक टीम यहाँ तक गई है और उसके प्लेयर यहाँ शामिल है, तो हो सकता है इंडिया ना पूछ के अफगानिस्तान के बारे में ही आपसे पूछ दे। ठीक है, अफगानिस्तान के कौन कौन से प्लेयर शामिल किए गए हैं नाम बताइए जरा उनका। हाँ गुरबाज और राशिद खान। बहुत अच्छे। ये जो आपराधिक कानून लागू की गई 1 जुलाई से, उसके तहत बिहार में पहली प्राथमिकी जो है वो कहाँ पे दर्ज और क्या था वहाँ पे, किस मामले में दर्ज की गई है? हाँ ये भी याद रखिएगा कि गया के राजकीय रेल पुलिस थाने में ये जो मामला है वो दर्ज की गई है, चोरी के मामले में। बहुत अच्छे। किस धारा के तहत ये मामला दर्ज की गई है? 313-317। बहुत अच्छे ठीक है। वर्तमान में बिहार का जो एक उत्पादन की जो क्षमता है सालाना, वो लगभग कितने करोड़ का है? 200 करोड़ का। हाँ आकाश सुधरेंगे नहीं आप। ठीक है, सालाना 200 करोड़ का है प्रोडक्शन यहाँ पे एक का लगभग, और डेली बेसिस पे कितना किया जाता है प्रोडक्शन ये बताइए? 8,87,000। डेली बेसिस पे जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है बिहार का एक प्रोडक्शन में वो 55 लाख का है ना, और ये जो आप बता रहे हैं वो गोपालगंज का है जो कि नंबर वन डिस्ट्रिक्ट के रूप में है। ठीक है, सबसे लास्ट में कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है? अरवल। वहाँ पे डेली 166। हाँ 7,166। वेरी गुड। दूसरे स्थान पे सर्वाधिक अंडा उत्पादन करने वाला डिस्ट्रिक्ट कौन है और कितना वहाँ पे डेली जो है वो अंडा का उत्पादन किया जाता है? मुजफ्फरपुर। 6,30,000। वेरी गुड ठीक है। ये बताइए कि वर्तमान में हम लोग जो अंडा का प्रोडक्शन कर रहे हैं वो हमारे जो मांग है इसका कितना प्रतिशत है ये? 50%। ठीक है, और 50% पूरा करने के लिए कहाँ से ये एक जो है एक्स्ट्रा मंगाए जाते हैं? आंध्र प्रदेश।
आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल, बहुत अच्छे। अभी केंद्रीय जल आयोग के द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है, तो ये बताइए कि पूरे कंट्री लेवल पे